मोटिवेशन में कुछ होता नहीं मैं हर बार बोलता हूँ एवरीथिंग इज डिसिप्लिन अगर डिसिप्लिन है तो हिंदी मीडियम में पेपर पूरा नहीं होता नहीं। तो वो मेरे को मैं तोड़ना था कि भाई पेपर पूरा होता है क्योंकि आपको मैदान एक है सारे कॉम्पिटिटर एक है तो आगे तो निकलना है हम बहुत डिस्कशन करते थे बिल्कुल हाँ। हम खाना खाते टाइम भी डिस्कशन कर लेते थे और फिर मैं जब इंटरव्यू रूम में जाता हूँ तो मैंने इंटरव्यू थोड़े ज्यादा दिए तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाता था तो एक एक कोर्डियल माहौल था वहाँ की ऐसा फील ही नहीं होता यहाँ कोचिंग्स में तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिखाया जाता है हाँ। कि अगर आए हो और पढ़ रहे हो तो पहली प्रायोरिटी पढ़ना ही होना चाहिए और सबसे बड़ा ये कि छोड़ना नहीं है सभी को नमस्कार दोस्तों आज हमारे साथ हैं मोहन मंगावा इस साल यूपीसी में पाँच सौ इक्यावन रैंक है तो सबसे पहले मोहन आपको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद सर तो मोहन को आप वैसे जानते हो मैंने कई दिनों से आपको बता रखा है और कई बार वीडियो में बताया था कि इस बार मोहन का स्कोर अच्छा आएगा अच्छी रैंक आएगी तो सबसे पहले मोहन हम आपके बारे में जानना चाहेंगे बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि मोहन की जो जर्नी है विशेषकर कहाँ उनकी स्टडी फैली हुई है और यू की तैयारी को लेकर भी आगे बात करेंगे तो so, सर मैं बेसिकली राजस्थान के सीकर ज़िले से हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो वहीं से की थी हाँ। सरकारी स्कूल से बट क्योंकि मेरे पिताजी राजस्थान पुलिस में थे तो उन्होंने फिर के आगे की स्टडीज जयपुर से करवाई मुझे महावीर स्कूल एक स्कूल है महावीर दिगंबर जैन स्कूल वहाँ से मैंने सेवंथ स्वे, क्लास से ले लेकर ट्वेल्थ क्लास तक की कंप्लीट की बट वो एक ग्रूमिंग टाइम था सेंस हाँ, कि मैंने वहाँ एन किया मैंने वहाँ क्विज किए मैंने वहाँ जो डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो किए तो एक ग्रूमिंग हुई उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जैसे मैं रनिंग करता था क्रिकेट खेलता था फुटबॉल खेलते थे तो वो बहुत ही ज्यादा उसमें होता है ना कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसका काफी मुझे फायदा मिला उसमें उसके बाद क्योंकि एक होता है ना कि आप अगर बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हो तो पेरेंट्स यही सोचते हैं कि साइंस मैथ है और आई करवाएंगे बट मेरा मन नहीं था मेरा थोड़ा डिफेंस की तरफ था तो आ, मेरे को भी थोड़ा प्रेशरइज पापा ने बोला तो मैं पापा की बात डालता नहीं हूँ तो उन्होंने हाँ। बोला कि आईआईटी की एक बार एग्ज़ाम दे एग्ज़ाम दी बट इतना स्कोर रहा नहीं और कॉलेज अच्छा मिला भी नहीं मुझे तो उसके बाद क्योंकि मैं उसके साथ कर रहा था एनडीए की तैयारी तो मैं देता था एग्ज़ाम देता था और एसएसबी एस देता था तो उस समय मेरा फिर इंडियन नेवी में सिलेक्शन हुआ और मैं लगभग एक साल के लिए मैंने वहाँ ट्रेनिंग की हाँ बट कुछ जैसे होते हैं पारिवारिक रीजंस होते हैं उस समय में परिवार में थोड़ा ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ से एग्जिट लेना पड़ा हाँ। क्योंकि मेरी फैमिली लगभग सर्विस में तो सब बाहर ही रहते हैं हाँ हाँ तो मेरी माता जी तबीयत खराब थी उस समय वो सीन हुआ तो उस समय में एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ तो बिल्कुल जाना पड़ा आना पड़ा मुझे वहाँ पर हाँ तो लगभग दो साल तो ब्लैंक ही रहा क्योंकि कोविड भी था और ऐसा कुछ था भी नहीं स्टडी का कि करनी है मुझे मैं नॉर्मली बी का मैंने फॉर्म भर रखा था वो भी नॉन कॉलेज राजस्थान हाँ हा। यूनिवर्सिटी से नहीं। तो वो चल रहा था और उसके बाद थोड़ा मेरे फ्रेंड एक थे आई तो उन्होंने कहा कि यार यूपीएससी का मेरा होने वाला है हाँ। ए, कि मेरी कॉलेज होने वाली है भी यू पी का देगा तो उनके भैया क्या है एक दो हज़ार अठारह में आई एस बने हुए हैं तो उनको भी ये ट्रिगर था कि मेरे हाँ। को भी करना है तो चलो यार कर लेते हैं इसमें आई पी एस वगैरह तो होती हैं पोस्ट शायद वो जो मैं परसू करना चाहता हूँ वापस कर लूँ तो उसी समय स्टार्ट हुआ सर कि मैं तैयारी स्टार्ट की मैंने अक्टूबर दो हजार इक्कीस के स्टार्टिंग में मतलब मेनली स्टार्ट किया मैंने और फिर प्रलिम्स दिया था मैंने प्रलिम्स पास हुआ मेन्स हुआ नहीं क्योंकि मीनस एडमिट कार्ड ही नहीं आया वो सी रीजंस की वजह से मेरे कॉलेज पूरी नहीं हुई थी तो मेरा लगभग आपने फिर बात हुई आपसे भी बात हुई कि नहीं ऐसे ही लगे है और ऐसे लगे रहे तो वही थी कंटिन्यूटी थी और कंटिन्यूटी के साथ अगर लगे रहे हाँ। तो फिर हुआ सर तो जैसे आप लोगों में बताना चाहूँगा लास्ट ईयर एक्चुअल में क्या हुआ था 2022 में भी इनका प्रीलिम्स हो गया था और इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, की थी मेंस के लिए और जैसे एग्जाम से एक दो दिन पहले इनको पता लगा कि ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनकी जो डिग्री थी वो वहाँ पर सबमिट नह, नहीं करा पाए थे तो उस दौरान ही पहली बार हमारी बात हुई थी और इनके आंसर भी मैंने देखे थे तो एक लगता है ना कि यार बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है और इसका रुक नहीं सकता कभी नहीं रुक सकता तो इन्होंने एक पेशेंस रखा उस समय नो डाउट इनको थोड़ा बुरा लगा कि यार मेरे पहले अटैम्प्ट में बनने के चांसेस थे जिस हिसाब से इनकी मेहनत थी और आप मोहन को देख सकते हो बहुत कम टाइम में बच्चे शिकायत करते हैं कि यहाँ पे दस साल लग जाते हैं नो डाउट कंपिटिशन है लग जाता है लेकिन आप इनसे भी इतनी प्रेरणा ले सकते हो कि हिंदी मीडियम के हिंदी साहित्य इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है और नॉर्मल स्टडी के कोचिंग के पीछे नहीं भागे अपना एक टाइम टेबल बना के आराम से हिसाब से कर रहे थे तो अब हम तैयारी की बात करते हैं मैंने आपकी तैयारी में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट देखी अनुशासन इतना अनुशासन रियल में मैंने नहीं देखा बच्चों में और जैसे जहाँ पर आंसर राइटिंग की बात आती है ना तो ये एक साथ चार चार कोचिंग के जो मार्केट में मिलते हैं टेस्ट वगैरह ना उनको लिख लिख के आंसर राइटिंग कर रहे थे इतनी चेक करवा रहे थे सभी जो इनके अच्छे मेंटर से चेक करवा रहे थे कुछ कॉपियाँ जैसे एथिक्स और ऐसे की मुझे भी भेजते थे तो ये कैसे आया आप में इतना अनुशासन आंसर राइटिंग को लेकर कहाँ से आया सर एक तो स्टार्टिंग में जब मैंने किया था स्टार्ट तो मेरी आंसर राइटिंग जैसे होता ना कि लोग बोलते हैं कि एक महीने पढ़ लो उसके बाद आपकी आंसर राइटिंग स्टार्ट हो जाती हाँ। है आप लिखना है स्टार्ट हो जाता ऐसा कुछ नहीं होता है हाँ। एक्चुअली में क्योंकि मेंस का जो आंसर है वो काफ़ी मल्टी डायमेंशनली होता है आप जी एस वन अगर लिख रहे हो तो उसमें कई जी एस फोर की चीज भी आएंगी जी एस थ्री की भी आएंगी जो सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स वगैरह के इनके डेटा यूज होते हैं हुँ, हुँ, तो वही मैंने वो गलती नहीं की हाँ, मैं आंसर राइटिंग के पीछे नहीं भागा मुझे पहले प्रीलिम्स कर लेते हैं हाँ, और प्रीलिम्स के बाद तीन महीने का टाइम मिलता है हाँ, हाँ, उसमें जोर लगाएंगे और वही क्या मैंने कि उसमें थोड़ा जोर लगाया कि मुझे जीएसबी करना था ऑप्शनल भी करना था तो फिर मेरे को एक दो पेपर जब स्टार्टिंग में लिखे मैंने कोचिंग में जाके तो पेपर पूरे नहीं हो रहे थे ना क्वालिटी थी नहीं तो उस समय पता लग गया भाई हाथ तो घिसना पड़ेगा क्योंकि जलना तो पड़ता है और वही हुआ फिर मैं धीरे धीरे अलग अलग थोड़े डाइवर्सिटी दिखे उस समय आपसे बात हुई की एथिक्स के बारे में हाँ एथिक्स मैंने बिल्कुल इतना किया ही नहीं था हाँ फिर आपकी वीडियोस देखी फिर मैंने आपसे बात भी की कि सर हाँ। इसमें कैसे कैसे करूं तो आपने बोला कि बस क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है वैसा का वैसा फॉर्मेट वहाँ अपना लो हाँ तो मैं फिर आपको कर करके भेजता था कि ऐसा आप कर सकता हूँ क्या प्रीवियसर क्वेश्चंस मैंने फिर उसमें डालना शुरू किया हाँ तो यही था सर मोटिवेशन तो यही होता है कि अगर आपको करना है मोटिवेशन में से कुछ होता नहीं है मैं हर बार बोलता हूँ एवरी थिंग इज डिसिप्लिन अगर डिसिप्लिन है हाँ कि मुझे आज इतने मॉक्स लिखने हैं हाँ तो मेरे दो तीन मॉक्स कभी कभी हो जाते थे लिखने में लास्ट के टाइम पे क्योंकि हाँ. मुझे करना था कि हिंदी मीडियम में पेपर पूरा नहीं होता हुँ. तो वो मेरे को मैं तोड़ना था कि भाई पेपर पूरा होता है हाँ। और मार्क्स भी आते हैं हाँ। तो मार्क्स आए भी फिर पेपर पूरा हुआ टाइम पे हाँ। तो फिर वो फोर हंड्रेड के आस पास मार्क्स पर पहुँच गया उसमें जी एस में इस बार एस में तो आपके वन ऑफ द हाइस्ट है जैसे मैंने देखा हिंदी मीडियम की जितनी भी मार्कशीट देखी है इवन इंग्लिश मीडियम में भी बहुत कम लोगों के वन थर्टी मार्क्स मतलब आप मान सकते हो बहुत अच्छा स्कोर इस बार क्योंकि इंग्लिश मीडियम के आप देखोगे एट्टी नाइन्टी हंड्रेड के, के आसपास स्कोर है जो सिलेक्ट हुए उनके भी तो ऐसे राइटिंग को लेकर अलग से आपकी क्या ऐसी अप्रोच थी पहले से सर अलग से एक तो मेरे को एक गाइडेंस अच्छी मिली हाँ कि मेरे हु� साथ मेरे दोस्त थे उन्होंने मेरे को एक चीज समझा दी थी कि केवल लिखने से ही फर्क मतलब एक बड़ा गैप नहीं आने वाला है हाँ। थोड़ा आपको थोड़ा अलग से रखना पड़ेगा स्टार्टिंग कैसे होती है इंट्रो की कि आप जो रेलेवेंसी लगनी चाहिए उसके साथ टॉपिक के साथ एक तो टॉपिक ही आप चुनो जो आपको सबसे अच्छा आता हो मेरे यूपीएससी में जब मैंने टॉपिक पढ़े तो मेरे क्लिक हुआ टॉपिक कि यार ये लिखूंगा तो मेरे पास पूरा माइंड मैप था कि मैं ऊपर से यहाँ स्टार्ट करूंगा लास्ट हाँ। में यहाँ खत्म कर दूंगा तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि मेरे पास फोर्डर मटेरियल रहता था फोर्डर मटेरियल इन द सेंस कि मैं कोटेशंस मेरे पास खूब है मेरे पास जो अलग अलग राइटर्स के नाम हैं वो हैं और उनके साथ ही जो एक मिथ होता है कि इंग्लिश को यूज नहीं करेंगे हाँ मैं थोड़ी थोड़ी वो यूज कर लेता था उसमें लिखने में एक डाइवर्सिटी चाहिए क्योंकि हाँ। जो ऐसे को पढ़ने वाला है वो इस तरीके से नहीं पढ़ेगा कि आपने इंग्लिश लिख दी हाँ, हाँ, वो फ्लो बनता है कि हाँ, फ्लो में पढ़ता गया पढ़ता गया बहता गया तो फिर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं फ्लो बना के रखूँ और उसको लिखता जाऊँ तो एक ये हुआ हाँ, फिर मेरे ऐसे का टॉपिक डिसाइड करने के बाद मैं लगभग आधे घंटे देता हूँ ब्रेन स्ट्रामिंग ब्रेन स्ट्रामिंग इन द सेंस कि मैं पीछे वाले पेज पे चला जाता हूँ टॉपिक लिख लिया उसको बांटना शुरू करता हूँ कि मैं इंट्रो में क्या लिखूंगा बॉडी में फिर बॉडी में कई पार्ट आ जाते हैं कि अब मैं लगभग फिलोसॉफिकल ऐसे लिखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है हाँ। फिलोसॉफिकल ऐसे को फिलोसॉफिकल नहीं लिख सकते उसको कॉन्क्रीट बनाना पड़ता है तो कॉन्क्रीट बनाने के लिए मैं करता था एक स्कीम बना रखी थी कि मैं स्टार्ट करूँगा सोचना जीएस से कि जीएस में कल्चर आता है पहले तो इस टॉपिक से कल्चर क्या रिलेट होता है इस टॉपिक से हिस्ट्री कैसे रिलेट होगी जोग्राफिकल कैसे कंडीशन से रिलेट होंगी और हिस्ट्री में भी ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा कोई हुआ है क्या इवेंट इंडियन हिस्ट्री में कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसको मैं इससे रिलेट कर पाऊँ तो वो पॉइंट चलते जाते हैं ऐसे पॉलिटी इकोनॉमिकली जोड़ दिया फिर आईआर से करंट को जोड़ दिया कि इसमें इस समय ऐसा चल रहा है इस टॉपिक में तो ऐसे आप बहते जाओगे फिर एथिक्स का मामला आ जाता है उसमें आप कुछ का एग्जाम्पल लिख दो हाँ। फिलो, फिलो, फिलोस फिलासोफिकल बहुत होते हैं फिलोसफी जो हैं अलग अलग विवेकानंद जी की अग्णी अग्णी है गांधी जी की है और भी कई जैसे फि, फि, फिबियस, फ्लेंटिस जो है, उनकी भी अलग अलग जो मैंने लिख रखी थी एक राइटर्स के नाम पूरे तो उन्हीं को मैं यूज करता था फोर्डर पढ़ा रहता था अब आप ये आपकी कला है कि आप उसको यूज कैसे करते हो तो यूपीएससी में यही हुआ कि मेरे को एक तो टॉपिक अच्छे से क्लिक हुए लिखता गया ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करते हुए बस उसी लाइन में कोटेशन हाँ, मैंने अलग से नहीं लिखी हाँ, लाइन के साथ लिखी एक ऐसे मैंने कहीं से सुना था कि लाइन के साथ कोटेशन लिखते हैं ना तो वो टूटता नहीं है फ्लो हाँ कि आपने पढ़ता गया तो लाइन में कोटेशन भी आ गई हाँ, तो वो मैं करता गया सारी कोटेशन चाहे इंग्लिश में हो संस्कृत में हो हिंदी में मैंने सारी यूज की और बहता गया और लास्ट में मतलब मेरे को लिखते हुए लग गया था कि मुझे स्कोर तो अच्छा आ सकता है पहले से कभी कंपेरिजन तो था नहीं बट ये था कि मैंने अभी तक अच्छा लिखा है इसे हाँ तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी जैसे कई बच्चे ऐसे कि इग्नोर कर देते हैं और इस बार ये उनको उसका नुकसान भी हुआ क्योंकि ऐसे लिखते नहीं लोग जनरली ऐसा लगता है कि ऐसे तो हम लिख लेंगे और इस बार जिस हिसाब से मार्क्स आएँ पचास साठ सत्तर मार्क्स आए हैं कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनका केवल ऐसे जैसे फाइनलिस्ट से बार हो गए तो ये बात नोटिस करने वाली है मैं आपके जैसे ऐसे मैंने काफ़ी चेक किए हैं तो मैंने एक चीज़ जैसे आपने बता भी दिया है तो वो इतना याद कैसे रहते थे जैसे आप बहुत अच्छी किताबें अच्छे कोटेशन अच्छे से एग्जाम्पल आप रखते थे दोहे कविताएं भी याद रहती थी आपको तो इतना कैसे मतलब करते थे सर मैंने अलग से कॉपी बना रखी थी हाँ। इस पर तो मैं जैसे ऐसे लिखता हूँ मैंने लगभग पच्चीस तीस ऐसे लिखे थे हाँ। एग्जाम में जाने से पहले तो मैंने यूज कर लिए वहाँ हाँ मैं लिख लूँगा एक बार तो वो फिर याद रह जाता है आप किसी चीज़ को बिना देखे एक बार याद की फिर आपने कॉपी पे उतार दिया उस चीज़ को हाँ तो फिर वो एक अल्टीमेट टाइम तक याद ही रहती है आपको हाँ हाँ तो मैं तो यही कहूँगा कि जो थोड़ा एक ऐसे को एस लेते हैं कि अभी चल जाएगा काम हाँ। वो नहीं करना चाहिए क्योंकि हर इसमें हर स्टेज है हर जो सब्जेक्ट है वो अपना अलग से एक इम्पोर्टेंस रखता है तो ऐसे को मैंने यही कहा था कि जी में हमारे हिंदी मीडियम में होता क्या है हाँ कि जी में हम सपना देखते हैं फोर हंड्रेड का हाँ कि फोर हंड्रेड मार्क्स आ जाएं तो भाई हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा और फिर देखते हैं कि यार इंग्लिश मीडियम वालों से कहा कम रह रहे हैं? हाँ. तो इंग्लिश मीडियम वालों के एवरेज ही रहता है चार सौ तीस के आसपास जीएस हाँ, हाँ. बिल्कुल तो हम खींचेंगे कहाँ का? कॉम्पनसेट कहाँ करेंगे तो हम कॉम्पनसेट करते हैं फिर ऐसे में क्योंकि हाँ. हम ऐसे में मार्क्स निकालेंगे हाँ ऐसे में मार्क्स निकाल लेंगे जैसे आ, इंग्लिश मीडियम वालों के ऐसे में लगभग हंड्रेड के आसपास ही रहता है या उससे बिलो एवरेज रहता है तो हम वन थर्टी पहुंचा देंगे बिल्कुल तो कॉम्पनसेट हो गया ना क्योंकि आपको मैदान एक है सारे कॉम्पिटेटिव एक है तो आगे तो निकलना है बिल्कुल तो आगे कहाँ निकलोगे ऐसे थोड़ा कर करके कर कि अपना ऑप्शनल अच्छा कर लिया ए अच्छा कर लिया तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा उसको भी ध्यान एक जोड़ दें और जाने से पहले लगभग यूपीएससी के या पंद्रह बीस ऐसे लिख लो तो फिर मोड़ देने न पोते है और वहीं अपने कोटेशन एक जगह बना लो कॉपी आप मेरे पाँच सात पेज के होंगे जिनमें मैं कोटेशन लिख रखी थी मैंने अलग अलग मैं पढ़ता था आपके ऐसे पढ़ता था एक सर की बुक है गंगा सिंह हाँ। और तो, निशान जैन सर की बुक है हाँ। हाँ। मैंने उसमें बहुत सारे ऐसे पढ़े हाँ। लगभग उसमें वन जीरो वन ऐसे है बिल्कुल तो मैं उसमें लगभग हर दो तीन दिन में दो तीन ऐसे पढ़ता रहता था क्या है तो मैं उसमें से उठाते हैं ना लाइनें उठाते हैं कि यार ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है उन्होंने तो जो ऐसे का यूपीएससी का दूसरा ऐसे था उसमें मैंने गंगा सिंह राजपुरोहित थी हाँ। जो एक की अनाधिकाल से चलते पहिए पे बैठे हुए ऐसे मैंने हाँ। उस था उस समय मेरे को याद था तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया वो तो एक फ्लो बन जाता है फिर कि यार और वो फ्लो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने पहले लिख रखा था वही बात मैंने यहाँ के जो कोचिंग्स के ऐसे उनमें लिख रखा था तो फिर वो टूटा नहीं फ्लो तो वो आपको कॉम्पनिशन हिंदी मीडियम में तो करना ही पड़ेगा जैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, बच्चे कई बार कहते हैं कि हिंदी साहित्य में एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए कॉलेज में अच्छा पढ़ा होना चाहिए और उसमें बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ता है दोहे कविताएँ याद रखना पड़ता है तो कैसे आपकी हिंदी साहित्य की आपने तैयारी की सर मैंने इस हिंदी साहित्य को एज ए होता ना कि पसंदीदा हाँ मैंने नहीं पढ़ा हाँ मैं ये था मैंने देखे कि यार मार्क्स कहाँ रहे मैं हिंदी हाँ। माध्यम से हूँ तो मार्क्स हिस्ट्री में भी आ जाते हैं पी में भी आ जाते हैं हिंदी में भी बट वो फ्लक्चुएट बहुत करते हैं बिल्कुल हाँ। एक मेरे मित्र हैं बहुत घनिष्ठ हैं। उनके लास्ट टाइम 270 सौ हिस्ट्री में थे हाँ इस त, इस, इस बार लगभग एक सौ छियानवे है तो क्या उनके उसमें कमी आई हाँ, ये होता है ऐसा ये फ्लक्चुएशन है तो उस फ्लक्चुएशन डर लगता है मुझे हाँ तो मैंने सोचा कि यार ऐसा अपनाते हैं जिसमें एवरेज तो मेरे को मैं अगर मेहनत करूँगा एवरेज तो देगा मुझे तो मैंने फिर हिंदी लिया हिंदी और क्लासेज जो अवेलेबल होती है हाँ वो मैंने ली और उस समय तक इतना था नहीं क्लासों से मुझे इतना समझ में आया नहीं बस मैं देखता जाता था कि चलो दिन में तीन चार क्लासेस देख ली हाँ क्योंकि मुझे स्पीड से करना था वो खत्म की उसके बाद जो नोट्स हैं हाँ, उसको मैंने दो तीन बार पढ़ने के बाद नोट्स खुद के नोट्स बनाने स्टार्ट किए तो लास्ट में मैंने छोटे से नोट्स बना लिए जिसमें सारी कोटेशन भी थी क्योंकि हिंदी इज ऑल अबाउट सिलेबस हाँ हिंदी में पहला क्वेश्चन क्या आएगा ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आने वाला हाँ, हाँ। हाँ। तो मेरे पास थे। मैंने सारे ईयर क्वेश्चन उठाए उनके आंसर, आंसर लिख लिए मॉडल आंसर होता है ना उन्हीं।, उन्हीं को मैं बार बार रिवाइज करता था उन्हीं में मेरे कोटेशन लिख लिए लगभग क्वेश्चन सारे वहीं से रिपीट होते हैं सारे मैं एक होता है ना कि कहीं से कुछ चेंज ही नहीं हो रहा हाँ। क्योंकि सिलेबस वही है और बहुत साल हो गए इसको आते आते तो बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा उसमें डिफ्रेंशिएट कर दोगी इसमें अलग क्या भी चल रहा है हाल ही में हाँ। तो बस यही है कि करंट से भी जोड़ जोड़ता था मैं उसको हाँ कि मैंने मेरे दोस्त ने बताया कि भाई एवरेज मार्क्स ही आएंगे अगर आप सबके जैसा लिखोगे क्योंकि प्रॉब्लम हिंदी लिटरेचर में यही है कि हमारे पास सोर्स नहीं है एक सोर्स के अलावा हाँ तो वो होती है प्रॉब्लम कि हम एक ही जैसा लिखते हैं कुछ डिफ्रेंशिएट होता ही नहीं है हाँ। तो सामने वाला जो कॉपी चेक करता है उसको भी ये लगता है यार ये तो पिछले वाले में लिखा था और मेंस में आपको मार्क्स मिलते हैं कंपेरेटिवली आपसे पहले वाली कॉपी कैसी आई है उस पर भी आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं अगर अच्छी आ गई तो उसके कंपेरिजन में आपको कम मार्क्स मिलेंगे तो वो चीज ध्यान में रखते थोड़ा मैं गूगल भी करता था कि इसके ऊपर मैं कुछ क्या अलग लिख लूँ तो वैसे ट्राई करता था तो मैंने वही छोटे छोटे मेरे नोट्स बना लिए प्रीवियस क्वेश्चन को मैं मतलब चार्ट खाता हूँ ना कि हर चीज़ को वहीं लिख लिया हाँ हाँ वैसे तो लगभग तैयार था इस तरीके से तो ये मेरी नीति रही कि पहले पढ़ लो फिर छोटे से नोट्स बना लो प्रीवियस क्वेश्चन को मॉडल आंसर ही भी कर लोगे ना हाँ हाँ मोर देन इनफर हिंदी में तो कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा बिल्कुल जैसे इंटरव्यू को लेकर हम बात करते हैं आप इंटरव्यू में जैसे आप चारों साथ में रह रहे थे आ, मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे मोहन है इसके अलावा जो फिफ्टी थ्री रेंग आई मोहन लाल और अपने जो दीपक है और माधराम जी ये चारों इंटरव्यू की तैयारी साथ ही कर रहे थे क्योंकि मेंटरशिप बैच में भी साथ में ही थे तो मैंने इनके मार्क्स भी देखे चारों के अच्छे मार्क्स आए और जैसे आपके लोगों की तैयारी भी चल रही थी उस समय बातें होती थी आप लोगों से तो आप लोग ये मतलब ग्रुप डिस्कशन जो करते थे डिबेट आप लोग करते थे ये कितना काम आया आपके फाइनल इंटरव्यू में सर मैं तो सबसे जूनियर था हाँ। और मैंने एक दो मॉक्स दिए थे हाँ। मैं मेरी सिस्टर्स के साथ रहता था तो एक होता ना कि एक, एक कि डर था हाँ। फियर था कि यार सामने तो आई एस आई पी बैठे होंगे हाँ क्या पता कैसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें वो झलकता भी था जैसे एक, एक कोचिंग का है तो मैंने इंटरव्यू दिया मैं उसमें बहुत नर्वस हो गया अच्छा इतना नर्वस कि मेरा मुंह उतर गया मेरे गए मेरे मतलब दीदी वगैरह ने देखा था कि क्या कर रहा है तू इतना हो क्या आया है वहाँ इतनी जा, नेवी में जाके आया इतना करके आया बट हाँ। हो जाता है मैं होता है होता है मतलब हाँ। कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था जब सामने वाला इंटरव्यूअर आपको प्रेस करना स्टार्ट करता है टैप करना कि भाई अभी देखता हूँ तुझे तो उस समय ऐसा हुआ तुम्हें यार कॉन्फिडेंस तो चाहिएगा हाँ तो फिर दीपक भैया हाँ। जो जिनके साथ मैं मेंटरशिप भी की थी मैंने हाँ। तो मैंने उनको कॉल लगाया मैं भैया प्रॉब्लम हाँ। तो आ रही है यार मतलब हाँ। कि तू तो आ जा मेरे पास हाँ। मोहन जी हैं मानोराम जी हैं हाँ अपन तो चारों करें और उनके बहुत डिसेंट मार्क्स थे उस समय हाँ। तो मॉक्स दे रहे थे तो अलग से लगता था कि भाई हाँ बहुत एक क्वालिटी है तो फिर मैं गया उनके पास और काफ़ी डिसप्लिन रहते थे तो वही चीज़ थी कि मैं भी उनसे सीखता था हम बहुत डिस्कशन करते थे बिल्कुल हाँ। हम खाना खाते टाइम भी डिस्कशन कर लेते थे कि अभी ट्रांसक्रिप्ट आई है हाँ। भाई आप बताओ ये इसका आंसर क्या दोगे हाँ। अभी ये क्वेश्चन पूछा है तो इस तरीके से हम लगभग उसी मोड में रहते थे कि आ, कहीं से ये पढ़ लिया करंट अफेयर हमने तीन चार सोर्सेज से किए हाँ। लेकिन ऐसे करते थे हम कि चलो स्टार्ट करो अभी बी एन एस दो भारतीय न्याय संहिता का आ रहा है क्वेश्चन इसमें क्या क्या पॉइंट है ये बता दो अभी इसमें क्या मुद्दा चल रहा है उसमें भी पॉइंट बता दो तो फिर वो एक हॉलिस्टिकली हो जाता है और फिर मैं जब इंटरव्यू रूम में जाता हूँ तो मैंने इंटरव्यू थोड़े ज्यादा दिए हाँ। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाता था बिल्कुल कि यार मैंने बहुत तैयारी की है चाहे राजस्थान पे आप राजस्थान की सब कुछ हमने देख लिया चाहे वो जोग्राफिकल रूप से हो हाँ। चाहे वो हिस्टोरिकल हो चाहे अभी रिसेंट में डेवलपमेंट क्या है क्या पोटेंशियल है क्या रिसोर्सेस हैं जो सारी चीज़ें हाँ। और हम इसमें एक इनोवेटिव करते थे कि सर हम ये भी जानते हैं हम ये भी बता सकते हैं और ये करेंगे तो एक ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा किसी भी चीज़ को ले और वो चीज़ आई जब मैं ग्रुप में रहा ऐसे ग्रुप में तो एक चीज़ होती है ना कि सीखते हो आप लर्निंग प्रोसेस है तो इस चीज़ का फायदा होता है सर और मैं जब लास्ट इंटरव्यू में गया भी हाँ तो इसी के साथ था और फिर आ, स्वाइन सर का बोर्ड था तो मैं गया गुस्सा तो वही सिंह था कि उन्होंने भी बैठो बैटोमोन हाँ और क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत नॉर्मल होते हैं हाँ। मेरे डैप से सब कुछ रिलेटेड था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा डिफेंस का था तो डिफेंस से स्टार्ट हुआ गे एन सी में क्या किया फिर कि अग्निवीर योजना क्या है फिर कि हिंदी लिटरेचर में कुछ कबीर सूर और तुलसी में क्या फ़र्क है कबीर ने क्या कहा अकड़ता अकड़ता रामायकता दिखाई है उसके बाद सेम बहादुर सर पे आ गए कि इनका क्या रहा क्या नहीं रहा उनका पूरा नाम फिर उस पर थोड़ा एक होता है ना कि अपने आप हाँ एक मजाक टाइप का भी हो गया कि सर का नाम नहीं बता पाए तो वो सब भी हंसने लग गए कि हमें भी नहीं आता वैसा तो एक हाँ। एक कॉर्डियल माहौल था वहाँ कि ऐसा फील ही नहीं होता यहाँ कोचिंग्स में तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिखाया जाता है कि टैप करते हैं आपको डराया जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो किसी को नहीं आते वहाँ चिल रहते हैं और एक मेरा तो मैं खुश होकर बाहर आया था आई वॉज सेटिसफाइव माई सेल्फ कि यार मैं होता नहीं हूँ इतनी जल्दी सेटिस्फाई भैया भी बोलते थे मुझे hmm. कि भाई मिल रहा है इतना देख ले बट मैं जब निकला बाहर तो एक यही था कि यार मैंने अच्छा किया है और अच्छे मार्क्स आ, आ, आएंगे। hmm. बस वो एवरेज थोड़ा कम रहा तो मार्क्स कम रहे बट hmm. फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है हाँ लास्ट में एक छोटे सी प्रीलिम्स को लेकर आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि आपने दो प्री आपको मौका दो, दोनों आसानी से आपने प्री पास की विशेषकर सी सी भी इजीली पास कर लिया तो प्रीलिम्स को लेकर आपकी क्या रणनीति रहती रहती है सर हिंदी के लिए ये बोला जाता है कि प्रीलिम्स हम कम पास कर पाते हैं तो एक इतना डिफरेंस है नहीं मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम का डिफरेंस हमने हमारे माइंड में बना रखा हाँ मैंने कभी डिफरेंस रखा नहीं हाँ मैं करोल बाग में भी रहा हूँ मुखर्जी नगर में भी रहा हूँ तो दोनों जगह देखी है हाँ। वही बच्चे हैं वही कंटेंट पढ़ रहे हैं और वैसे ही रह रहे हैं उसी तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो सबसे पहले तो एक ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है हाँ। कि यार ए, हम थोड़े कमजोर हैं हाँ। वो वाला सीन कम होना चाहिए मेरे को कई बार मैसेज आता है कि सर हम हिंदी मीडियम से हो जाएगा क्या क्यों नहीं होगा भाई अगर आप में देखो कि मैंने मूवी देखी थी एक तो उसमें कहा गया था कि आप शेर हो हाँ, चाहे हिरण हो हाँ शेर को भी अपना खाने के लिए भागना पड़ता है हिरण हाँ, को खुद की जान बचाने के लिए भागना हाँ, पड़ता है तो आप शेर हो चाहे हिरण भागना तो पड़ेगा तो भागना इन द सेंस की है कि आप चाहे कितने स्मार्ट हो हाँ, कितने आपने परसेंटेज ली होंगे अपने स्कूल्स के टाइम पे मैं भी टॉपर था बट मैं जब यहाँ बैठा यूपीएससी में तो भाई पता लगा कि इतना ईजी सब कुछ नहीं है तो वो चीज है कि एक तो जो फियर है हाँ वो उठाना होगा सोर्सेज को मिनिमाइज करना होगा मिनिमाइज इन द सेंस कि मैं स्टैटिक पोर्शन पढ़ता हूँ तो बहुत मिनिमम सोर्सेज से पढ़ता हूँ कि एक सब्जेक्ट है उसके लिए एक बना रहा है अब तो मैंने मेरे, मेरे उनके नोट्स भी बना लिए कि बेस्ट रिसोर्स लो और उसके छोटे से नोट्स बना लो हाँ। उन्हीं को बार बार रिवाइज करो और लोग ये भी एक थोड़ा फैला रखा है कि आप कोचिंग्स के मॉक्स खूब दोगे सौ सौ मॉक्स दे दिए मैंने तो ये होता होगा फायदा मैं उसको चीज़ को नकारता नहीं हूं क्योंकि कई टॉपर्स हैं उन्होंने यही पढ़ के पास किया हाँ। तो हम कैसे नकार देंगे भाई उस तरीके से तो होता हाँ। ही है बट उससे अच्छा तरीका मैंने ये अपनाया कि जो तो प्रीवियसर क्वेश्चन थे उनको मैंने करना स्टार्ट किया मैंने शुरू से ही किया था ये हाँ। कि मैं फर्स्ट टाइम में दिया था तो प्रिवियसियर क्वेश्चन मैंने बहुत सारे पीछे तक चला गया था मैं वो मैंने दो तीन बार उनको बार रिवाइज किया और उनको तरीके सीखे कि यार क्वेश्चन होता तो है बट वहाँ क्वेश्चन तो ही आते हैं है पूरे पेपर में अब तीस के अलावा जो सत्तर क्वेश्चन होना चाहिए एक, एक आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कोई भी रेंडम इसके बारे में आपको पता भी नहीं है तो उस क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे करोगे बिल्कुल अगर वो टेक्निक अगर आपको आने लग गए ना यूपीएससी में तो आराम से हर बार कट ऑफ क्लियर होगी ये मैंने कई बंदों को देखा है जो तो हर बार कट ऑफ क्लियर करते हैं क्यों क्योंकि उनको वो तरीका मालूम है हाँ। पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन पैटर्न इतना भी चेंज नहीं हुआ कि आपको सब कुछ खत्म हो गया है ऑप्शन वही है ए, एक सही दो सही तीन सही आप उसमें एलिमिनेट तो कर लोगे बिल्कुल प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यार इसमें एक तो गलत है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी तीन बचेंगे एक सही दो सही या चारों सही तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई फिर एक ऑप्शन को आपने एलिमिनेट किया तो आप फिफ्टी फिफ्टी पे आ गए फिफ्टी फिफ्टी का इन द सेंस कि आपकी प्रोबेबिलिटी इतनी हाई है कि अगर आप लगा दोगे चार चार क्वेश्चन तो उसमें से कम से कम दो क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे उस सेंस में मैं लेके चलता हूँ और एक स्ट्रैटेजी मेरी ये भी रहती है कि थोड़ा एस्पिरेंट घबराते हैं पेपर टफ हो गया क्वेश्चन आ नहीं रहे हाँ, तो लगभग साठ या सत्तर क्वेश्चन करके आ जाते हैं हाँ, तो वो थोड़ी मेरी स्ट्रैटेजी गलत लगती है मैं करता हूँ नाइन्टी प्लस क्वेश्चन हर बार मैंने दो फिल्म दिए इतने दिए लेकिन दो फिल्म हैं मैंने हर बार नाइन्टी प्लस क्वेश्चन किए हैं हाँ। भाई चांस है ये हाँ। ये चांस चांस है है उसको चांस को ये अपने है कि मैं उसके चांस में एक लेता हूँ बैट लेता हूँ या नहीं लेता बैट नहीं ली तो मतलब दो दो, दो मार्क्स मैंने छोड़े हैं या तो वो गलत होता है सही होता क्या पता मैं चांस लेता तो सही हो जाता इतनी तो एफिशिएंसी अगर मैं दस क्वेश्चन लगाऊं उसमें चार से चार सही निकल जाएं छह भी गलत निकल जाएं तो मैं नेट तो पॉजिटिव में रहूंगा बिल्कुल तो उस तरीके से मैं थोड़ा सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में हाँ। तो हिंदी मीडियम हो या जो कोई सा भी मीडियम हो मैं ये कहूँगा कि आप पहले तो क्वेश्चन स्टैटिक पोर्सन को बहुत मजबूत करो हाँ। मैं आपसे कुछ भी ऐसा स्टैटिक जो है वो जो बहुत जनरल है मैं आर्टिकल थ्री फिफ्टी के बारे में कुछ पूछूँ तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या लगता है थ्री में कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं पार्लियामेंट यही यही है सिलेबस तो तो वो चीज़ है कि आपको जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए उसके बाद आओ आप प्य आई क्यूज़ पर करंट अफेयर्स के पीछे इतना मत भागो मैंने करंट अफेयर्स लास्ट के टाइम पे पढ़ा है सर मैं नहीं पढ़ता था पहले मैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता था हाँ। मैं करंट अफेयर्स लास्ट के टाइम पे पढ़ता हूँ और एक बार देख लिया कि अगर यहाँ से आता है तो ठीक है हाँ। नहीं मेरा स्ट्रेटिक पोर्सन मजबूत है उसके हाँ। सारे तो लगभग पचास या चालीस मार्क्स देते भी कट ऑफ है कट ऑफ से तो ऊपर ले आऊँगा तो वो एक स्ट्रैटेजी अगर होती है तो सही होता है इसमें कि मेरी तो कट ऑफ क्लियर हुई है और सी सेट का तो यही है कि आपको तीनों पोर्शन में बराबर रखना पड़ेगा आप एक चीज के सारे जैसे कुछ आई आई थे वो पिछली बार मैथ के सारे गए थे हाँ। मैं कईयों को जानता हूँ जो पास ही नहीं हुए और फिर मार्क्स आए तो पता लगा कि वो मैथ में फेल हुए हैं हाँ। क्योंकि उन्होंने उसको जो कॉम्पिटेशन वाले पार्ट को टच ही नहीं किया तो वो एक थोड़ा सीखना पड़ेगा कि तीनों पोर्शन पे बराबर कमांड बना लो और फिर क्वेश्चंस दो 2011 से 12 से जब भी पैटर्न चेंज हुआ है सी सेट आया है वो पेपर रियल टाइम में लगा लो मैंने मेरे दोस्त हैं टीकाराम उनका नाम है हाँ। तो उनके साथ बैठ के वही टाइमिंग पे दो से चार आई हाँ। थिंक दो से चार ही होता है दो से चार में पेपर निकलवाता था खाना हाँ। खा के और हम मैं एक पेपर उसको देता था एक पेपर मैं खुल लेता था दोनों बैठ के करते थे तो उसमें मतलब क्योंकि हमने कई क्वेश्चन पहले पढ़े हुए थे हाँ। तो 150 मार्क्स चले जाते एक सौ लेकिन ये था कि भाई कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हमारे देखे हुए थे तो मार्क्स इसलिए बढ़ रहे थे ज़्यादा हमें दिखा रहा था बड़ी हो रहा था कि भाई कौन कॉन्फिडेंस आ रहा है उन पेपर्स को करके वो यूपीएससी के पेपर थे बिल्कुल तो वो एक स्ट्रेटेजी मैं अपनाता हूँ सर तो आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस बार मैं भी अपना लास्ट अटैम्प्ट दे रहा हूँ तो दो दिन से जैसे मोहन मेरे साथ ही काफ़ी हमने डिस्कशन किया कि कैसे प्री को लेकर करना चाहिए और यही है मतलब जैसे पी वाई क्यू बताया काफ़ी इन इनका पी वाई क्यू का स्तर तो बहुत बड़ा है नाइन्टी सेवेंटी नाइन से ये बोल रहे हैं कितने तीस चालीस सालों के पी वाई क्यू खंगाले पूरे एकदम और ज़्यादातर मोक नहीं लगाए पी वाई क्यू पर ज़्यादा फोकस किया तो मोहन आप यहाँ आए और सम्मान दिए इतना बहुत बहुत आपको धन्यवाद अच्छा लगा मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी और दोस्तों के साथ जैसा टाइम स्पेंड किया क्योंकि हम शहरों में रहने हाँ। लग गए अब ज़्यादा तो इतना मिलता नहीं है नेचर हाँ। के साथ कोलेबरेट करने का तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत ही फ्रेंडली नेचर में रह के ऐसे पहले मैं आप पहली बार मिल रहा हूँ आपसे ऐसे हाँ। तो फ़ोन पे बातें होती थी और जब मिला तो कि यार वही बिहेवियर बहुत ही कोर्डियल हैं और समझते हैं सुनते हैं बातों को एक लिसनिंग भी क्वालिटी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है सामने वाले में तो एक वो एक कि रेस्पेक्ट मिलती है तो अपने आप अपने जो रिलेशन्स हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं हाँ तो वही है कि ये ये एस्पिरेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आए हो और पढ़ रहे हो तो पहली प्रायोरिटी पढ़ना ही होना चाहिए और सबसे बड़ा ये कि छोड़ना नहीं है एक मैं बार बार कोटेशन भी बोलता हूँ कि पान सौ पान सिंह तोमर मूवी देखी थी मैंने तो उसमें वो बोलते थे बार बार कि अगर रेस स्टार्ट की है तो उसे खत्म करना सीखो तो रेस स्टार्ट की अगर आपने सब कुछ सोच समझ के तो फिर उसके साथ शिद्दत से लग जाओ बिल्कुल शिद्दत से लगोगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको अच्छा आदमी बन के निकलोगे जरूर नहीं आप पास हो लेकिन इतनी क्वालिटी आप में होगी कि आप बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे जहां आपको न फाइनेंशियली इतना कंस्टेंट आएंगे हाँ। ना आपको कहीं समाज की तरफ से देखना पड़ेगा होती है प्रॉब्लम सब हर किसी को प्रॉब्लम होती है वो तो सामाजिक हो फाइनेंशियल हो बट वही है इसी से जी, जीत कर निकलना है लोग इसको एक बाधा समझते हैं हम इसको एक अगर अपॉर्चुनिटी के रूप में लेके यार यहाँ से निकलना है या ये करके दिखाना है उसके बाद देख लूँगा तो वो वाली चीज़ें तो यही है कि करते रहो होता है ना कि कीप हिट हिटिंग हार्ड तो हिट हार्ड करते रहो हाँ और और तो सब कुछ मेहनत है भाई हाँ मेहनत से करोगे तो मिलेगा जरूर बिल्कुल तो आपने मोहन को सुना और तेईस सौ तेईस साल की उम्र में आई पी बन के जा रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कम एज में बनना अपने आप में बहुत अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादा लंबा स्ट्रगल परेशान करता है आप मुझे देख सकते हो ठीक है तो ऐसे ही मिलते हैं और वीडियो में अच्छे वीडियो में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद